नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। इधर भाजपा ने भी अपने तीनों चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स को अंतोगत्वा अनाउंस कर दिया, लेकिन जो सबसे अचंभा कह लीजिए या सरप्राइज कह लीजिए, या जिनका नाम शायद मेरे ख्याल में अगर कोई संभावित उसमें पहले 20 क्या पहले 100 में भी नहीं रहता, पहले 20-50 में भी नहीं रहता, जितने विधानसभा से जितने सदस्य जीत के आए थे उसमें शायद उनका नाम कोई नहीं लेता, वो सबसे चौंकाने वाला नाम राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी का आया है। बात इसलिए कह रहा हूं कि भजन लाल शर्मा जी का कोई इस तरह का ना बैकग्राउंड था कि वो कहीं रनिंग में दिखाई दे, कहीं वो ये दिखाई दे कि उनका नाम कुछ कुछ चल रहा है। देखिए, इससे पहले जो भी चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका एक वाइडर वो जरूर था। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, लेकिन डिप्टी वो उस समय प्रेसिडेंट थे, और 2017 में जो भाजपा जितनी सीटें जीत के आई उसमें एक उनका बड़ा योगदान। उसी तरह से अगर योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो उनका ओवरऑल भाजपा को वोट बढ़ाने में और भाजपा का जो नैरेटिव है उसके जो सबसे बड़े कैटलिस्ट हैं वो योगी आदित्यनाथ है। मतलब तो प्राइम मिनिस्टर तो भाई प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर हटा दीजिए मोदी जी को तो पूरे भारत में अगर किसी एक भाजपा नेता की सबसे ज्यादा डिमांड होती है कि भाई इनको हमारे यहाँ भेजिए, इनका वो योगी आदित्यनाथ। भजन लाल शर्मा क्यों? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भजन लाल शर्मा जो थे वो भाई बहुत जनरल सेक्रेटरी होते हैं, किसी भी पार्टी में काफी जनरल सेक्रेटरी होते हैं। भाजपा में वो राजस्थान भाजपा के जनरल सेक्रेटरी थे, यही तो उनका टोटल परिचय है। अब एक परिचय लोग और कह रहे हैं कि भाई एक परिचय और है, वो परिचय मैं इसलिए कह दे रहा हूं कि कम से कम इस बार भाजपा ने पढ़े लिखों को ये पद दिया है। भजन लाल शर्मा जी पॉलिटिकल साइंस में एमए है, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं केवल पॉलिटिकल साइंस में एमए है, और मेरे लिए कम से कम एक अच्छी बात है कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा जिसके पास एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी की डिग्री है वो इस पद पे जा रहा है। अब सबसे मुख्य बात यह है कि भजन लाल शर्मा जी के पास ऐसी कौन सा गुण है जिसको देख करके भाजपा के जो नेतृत्व, नेतृत्व का मतलब आज मोदी जी, लोग अमित शाह का भी नाम लेते हैं लेकिन वो मोदी जी की बात को ही एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन चलिए फॉर द मतलब एक जनरल परसेप्शन के हिसाब से मोदी जी और अमित शाह साहब को ये क्यों पसंद है, तो उसमें एक ही चीज आती है कि वो ब्राह्मण है। और जो लार्जर बीजेपी एक नैरेटिव बनाना चाहती थी कि ब्राह्मण उसके पास से ना जाए, क्योंकि ब्राह्मण एज अ कास्ट उनकी संख्या भले ही कम लेकिन ओपिनियन मेकर इन्फ्लुएंसर के रूप में उनका एक ज्यादा इंटरवेंशन, उनकी ज्यादा पैठ समाज में है, वो इन्फ्लुएंसर ज्यादा है, शिक्षा में उनका ज्यादा वो है, पत्रकारिता में उनकी ज्यादा दखलंदाजी है, लिखा पढ़ी का काम जो है उसमें उनकी ज्यादा पसंद वो है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर उनकी संख्या 10 है तो वो कम से कम 50 को और इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में रहते हैं। तो एक तो ब्राह्मण वोट इसलिए किसी भी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर याद हो तो कांग्रेस का बेस वोट एक जमाने में ब्राह्मण मुस्लिम और दलित हुआ करते थे और ब्राह्मण उसको ड्राइव करते थे पूरी कांग्रेस को। अभी क्या हो रहा था कि जब से भाजपा आई है तब से ब्राह्मण कहने को तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण थे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण, महाराष्ट्र के डिप्टी फडणवीस साहब ब्राह्मण, छत्तीसगढ़ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, लेकिन इन सारी जगहों पे चीफ मिनिस्टर नहीं, कमान नहीं दी जा रही, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनको वो अभी जब ब्रजेश पाठक आए उससे पहले शर्मा जी थे, मतलब दिनेश शर्मा, एक कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप में रखे जा रहे लेकिन कमान नहीं सौंपी जा रही। तो ये भी एक धीरे 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 ये जो आम जो ब्राह्मण है जो भाजपा के साथ बिल्कुल ठीक से है इस समय, उसके मन में भी एक बात बैठ रही थी कि ये हमें हम इनके साथ पूरी तरह से हैं, इनको ठीक से हम मतलब
मतलब वोट भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन ये हमें कमान नहीं सौंपते। तो मेरे ख्याल में उसको भी उस, क्योंकि भाजपा का जितना भी है ना वो प्रबंधन है, तो इस पूरे उसमें जितने भाजपा के इस समय चीफ मिनिस्टर हैं, पहला चीफ मिनिस्टर इन्होंने बनाया है। राजस्थान के लिए एक ये इंपॉर्टेंट और है कि राजस्थान में, हालांकि राजस्थान के बाकी प्रदेशों में भी यही हाल रहा है, लेकिन बीच में कुछ और लोग, मतलब बड़ी जात के लोग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ी जात के अपर कास्ट के लोग भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में 90 के बाद आखिरी वो चीफ ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर क्या हरदेव जोशी हुए, और 90 के बाद फिर उसके बाद कोई ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर राजस्थान में हुआ नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं उस, मतलब अब 32-33 साल बाद कोई अगर चीफ मिनिस्टर बना है 32-33 साल बाद, तो उसको भी उस वोट को भी कहीं ना कहीं एड्रेस किया गया। एक मेरे पास अच्छी जानकारी आई है और कहीं पेपर ही से, किसी न्यूज़पेपर से, हिंदी न्यूज़पेपर से, मैं याद नहीं, 2-3 न्यूज़पेपर, क्योंकि उसका ई वर्जन नहीं देख रहा था, उस पे देखा है। तो राजस्थान में कुल 8% ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश में 10-12% है, हिमाचल प्रदेश में 18% है, मध्य प्रदेश में 6% है, बिहार में 4%। ये यहाँ पे चीफ मिनिस्टर देख के इन सारे प्रदेशों के ब्राह्मण को कहीं ना कहीं आपने एड्रेस किया है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बना ही रहे हैं, लेकिन यहाँ चीफ मिनिस्टर भी बना के भजन लाल जी को तो कमान दे के बीजेपी ने एक साफ मैसेज दिया। दूसरा मुझे ये लगता है, अच्छा भजन लाल जी क्यों सूट करते, भजन लाल जी की ये क्वालिफिकेशन थी कि वो जयपुर में संगनेर जगह, जयपुर में संगनेर है, वहां से जीत के आए हैं, पहली बार विधायक बने हैं। और एक चीज और इंटरेस्टिंग है, संगनेर से बीजेपी के सिटिंग विधायक अशोक लाहौटी थे जिनका टिकट काटा गया, मतलब 1918 में बीजेपी वहां वो सीट जीती थी, अशोक लाहौटी जी वहां से विधायक थे, उनका टिकट काट के इनको टिकट दिया गया था। तो ये कोई तुक्का नहीं है, जो भी स्कीम ऑफ थिंग्स होंगी, अगर अशोक लाहौटी जी का टिकट काटा गया है और उनको टिकट दिया गया है, तो कुछ ना कुछ गुणा भाग तो जो शीर्ष नेतृत्व है उसके दिमाग में चल ही रहा। मैं उस दृष्टि से कह रहा हूं कि जब भजन लाल जी जैसे व्यक्ति को बनाया गया है, तो एक बिना कहे एक पैमाना और है, और वो पैमाना ये है कि अगर कल के दिन कोई ऐसी बात आती है जहां भाजपा के अंदरूनी शीर्ष नेतृत्व में कुछ खींचतान बचती है, हालांकि कुछ लोगों को अभी ये लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? भाई यही भाजपा थी ना, अगर आप याद करिए तो 2013 में जब अडवाणी जी को धक्का देके बाहर निकाला गया कि अब अडवाणी जी नहीं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी होंगे, उस पर कितना बवाल मचा था। मेरे ख्याल में लोगों की चूंकि शायद शॉर्ट टर्म मेमोरी रहती है, याद नहीं रहता है, अडवाणी जी गुस्से हो गए थे, सुषमा स्वराज भी नहीं गई थी उसमें, राजनाथ सिंह जी को उससे पहले किस तरह से मतलब अब उसको षड्यंत्र बोलना बहुत अच्छा शब्द नहीं है, गडकरी जी को किस तरह से प्रेसिडेंटशिप से हटाया गया, राजनाथ सिंह जी को लाया गया, राजनाथ सिंह जी ने जाके वो अनाउंसमेंट किया। तो ऐसी, और ये कहना कि अब ऐसा नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, अडवाणी जी की पूरी तरह से भाजपा की कंट्रोल था, लेकिन कहीं से उठे और कहीं से प्लान किया गया और अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया और मोदी जी ने वो हथियाया। अब मोदी जी भी उस उम्र के करीब पहुंच रहे हैं जहां पे मार्गदर्शक मंडल का रास्ता उनके लिए है। तो मोदी जी को कल के दिन अपने चीफ मिनिस्टर जो उनके कहने से हाँ या ना बोले, या उनके कहने से कहें कि रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, दिन को रात, रात को दिन बोलने का रखें, तो वो भजन लाल शर्मा जी कर सकते हैं, क्योंकि भजन लाल शर्मा जी का चीफ मिनिस्टर बनने का एक भी ऐसी बात नहीं है कि उनके पास ये मेरिट है इसलिए बनना है। एक जात की बात हो सकती है, उसके अलावा कोई भी ऐसा पॉलिटिकल गुण कि उनकी वजह से ये वोट आते हैं, उनका ये कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने ये यात्रा की थी, उन्होंने यहाँ मार खाई थी, उन्होंने ये आंदोलन किया था, इस तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं।
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भी इस समय की जो बीजेपी है उसके लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट वो है। एक चीज और जान लीजिएगा, वहां पे चूंकि वसुंधरा राजे जी जल्दी नहीं मान रही थी तो वहां एक मुश्किल और थी। राजस्थान में जो राजपूत और गुजर का एक जो राइवलरी चलती रहती है, और उस राइवलरी को अगर याद दिलाने के लिए मैं फिर आपको याद दिला दूं, वो थोड़ी हवा भी दी गई थी। अगर अगर ये बड़ा अगर है, सचिन पायलट जी जब वो अपने 12-14 लोगों को मनेसर में आके रुक गए थे और खट्टर जी के मेहमान नवाजी ले रहे थे, उस समय जैसा कहा जाता है कि वसुंधरा राजे जी थी जिन्होंने अपना वीटो लगा दिया कि नहीं ये बीजेपी में नहीं आ सकते, नहीं तो अगर शायद उस समय बीजेपी में वो आ गए होते तो उस समय अशोक गहलोत की सरकार गिर गई होती। और वो जो एक राइवलरी वाला एक है कि भाई क्योंकि सचिन पायलट जी अपने को गुजरों की वॉइस बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं राजपूत गुजर तो वैसे भी था, वो खाई और चौड़ी हो गई कि भाई हमारे एक गुजर नेता को इन्होंने उसके करियर को आगे नहीं माने। तो वहां पे दिक्कत क्या है कि बीजेपी ने बहुत सफाई से, और इस चीज का कायल होना चाहिए सबको कि बीजेपी जो ऑपरेशन करती है उस ऑपरेशन को बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से करती है। जिस अंग को हटाना है और उसको रिप्लेस करना है, अगर वो अंग काम का नहीं है तो उसको इतने सफाई से करते हैं कि फिर कोई चारा नहीं। अगर वहां वसुंधरा राजे जी आती तो वो एक गुजर और वर्सेस राजपूत का एक टसल तो रहता ही, वो कितना इफेक्टिव रहता नहीं रहता वो अलग बात। लेकिन भजनलाल शर्मा जी को लाके उन्होंने उस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब कौन सा झगड़ा भाई, कौन सा झगड़ा? ये बात इसलिए भी जरूरी है कि बाकी सारी जगहों पे एक को अगर आप फिर बनाते हैं तो चार लोग उसके इस उसमें खड़े हो जाते हैं कि भाई मैं नहीं बना। एक ध्यान और रखिए, एक ध्यान ये रखिएगा कि जो इंडिया गठबंधन, उस इंडिया गठबंधन, क्योंकि इस चीजें कोई कह नहीं रहा लेकिन कहीं आपको एक दूसरे से रिलेट करना है। आज आपने एक खबर भी देखी होगी कि भाई ममता बनर्जी जी मोर और लेस उन्होंने अपने दावेदारी ठोक दी है कि अब मैं इंडिया गठबंधन को बंगाल लीड करेगा मतलब ममता बनर्जी लीड। अब अगर एक तरफ इंडिया गठबंधन जाति जनगणना की बात एक तरफ कर रहा है तो वो ओबीसी और बैकवर्ड वोट को एड्रेस कर रहा है, कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते खड़गे जी की वजह से दलितों का एक सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस और फिर इंडिया गठबंधन के जग जाहिर है दिख रहा है वो। और अगर उसमें मैं थोड़ी देर के लिए थ्योरेटिकल बात, अगर उसमें ममता बनर्जी जी इसको लीड करती हैं तो वो 1% होगा, वो डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण समाज को अच्छा तो लगेगा क्योंकि ब्राह्मण समाज का के जिसने देश को पिछले 50-55 साल चलाया उसके हाथ से मंडल के बाद पूरा नेतृत्व निकल जाए तो ये कोई झगड़ा या गुस्से की बात नहीं है, ये साइकोलॉजिकल बात। तो इस वजह से भजनलाल शर्मा जी को जिस तरह से बीजेपी ने वहां बिठाया है वो मुझे लगता है कि सारी चीजें 2024 के इलेक्शन को मद्देनजर रख के की गई। दूसरा मुझे एक और चीज लगती है कि चाहे वो शिवराज सिंह चौहान होते और चाहे वो वसुंधरा राजे होती, ये दोनों लोग अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठते तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इनकी दखलंदाजी ज्यादा होगी। आज इनकी दखलंदाजी क्या होगी? वसुंधरा जी की होगी कि मेरे बेटे को एमपी का टिकट मिल जाए और ऐसी सीट मतलब वो एमपी बन जाए, इसी तरह से शिवराज जी के भी कुछ इस तरह की ही होगी। लेकिन अगर कुर्सी पे बैठे रहते तो ये ज्यादा टिकट के बंटवारे में इनकी से या इनकी इनका क्या जो भी मत होता या जिस भी उम्मीदवार को चाहते तो थोड़ा इनकी दखलंदाजी ज्यादा रहती, बीजेपी ने उसको भी एक झटके में समाप्त कर दिया। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा के अगर वैसे देखिए केवल पार्टी के लिए हो सकता है बहुत फायदा नुकसान जो भी हुआ हो तो पार्टी वाले समझेंगे,
लेकिन मोदी जी इन पर्सन के लिए और अमित शाह साहब के लिए, क्योंकि ये अमित शाह के लोग कहे जा रहे हैं, अमित शाह साहब अपने रास्ते को जो छोटा मोटा रोड ब्लॉक्स या स्पीड ब्रेकर पड़ने की उनको उम्मीद है आफ्टर मोदी, उस सारे स्पीड ब्रेकर रोड ब्लॉक्स को अमित शाह मोदी जी के कहने से या मोदी जी के हामी के साथ ही उसको साफ करने का काम भी करते जा रहे हैं। क्योंकि ये तय बात है कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे मोदी जी के बाद वाले उसमें एक अपनी दावेदारी जरूर प्रस्तुत करते, वो कितना होता नहीं होता, लेकिन अब मेरे ख्याल में अमित शाह साहब अपने रास्ते में किसी भी अवरोध को जो उनको लगता है कि मोदी जी के बाद जब भाजपा में ही होगा कि आफ्टर मोदी हो वो हटाएंगे। मोदी जी को ये लगता है कि अगर 2024 के इलेक्शन में कुछ ऊंच नीच होता है और कहीं डिस्कशन की बात आती है कि भाई अच्छा कौन बनेगा, उस समय केवल उनके यस मैन उस डिसीजन मेकिंग बॉडी में होने चाहिए, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे हो चाहे विधायक या लोकसभा के सांसदों के रूप में हो। मैं अभी भी सेवा कल से स्टूडियो पहुंच जाऊंगा और कल से रेगुलर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।